हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण चापरी और यह है साप्ताहिक राशिफल। लास्ट टाइम मैंने सब सन साइंस की रीडिंग्स इंडिविजुअल करी थी और आप लोगों से पूछा भी था कि आपको क्या पसंद है, और ज़्यादातर सबने बोला मुझे मैम कि इंडिविजुअल बेटर है। सिर्फ विश्वरंजन गिरी ने कहा था मैम एक साथ बेटर है क्योंकि फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो विश्वरंजन जी, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हम सारी रीडिंग्स एक साथ अपलोड करेंगे। आई होप कि अब आपके लिए भी इंडिविजुअल बेटर हो, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि हमारी YouTube फैमिली में जिस चीज़ के लिए ज़्यादातर लोग एग्री करें हम वही करें। तो चलिए जी, हम अब इंडिविजुअल रीडिंग्स शुरू करते हैं। ये 8th जून से लेकर 14th जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। हेलो स्कॉर्पियोज, ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और आपके लिए देखें कि ये वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि इस वीक पैसा आपकी लाइफ में आ सकता है, बट साथ ही साथ जाता हुआ भी दिख रहा है। या मैं कह सकती हूँ कि पैसा आ तो रहा है लेकिन आपके पास रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। या हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं इस बैलेंस को बनाने में या एक से ज़्यादा काम करने में, बट ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आप इंजॉय करेंगे, आप बैलेंस कर पाएंगे और आप फन मज़ा मस्ती से इन सब चीज़ों को इस वीक कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस करनी है, उसके रिगार्डिंग टू माइंड्स में है, करें ना करें, हाँ के ना, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिख रही हैं। और डीपर लेवल पे हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना चाह रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा अपना एक सर्कल बढ़ाना चाह रहे हैं, इस पर फोकस करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग ही वो टू माइंड्स में हैं। हम सबको पता है कोविड है, इतना ज़्यादा सोशलाइज करना बहुत कोई अच्छा आइडिया नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया हो कि वो सोशलाइज करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना चाह रहे हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओवरऑल अगेन मैं कहूंगी कि आप एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, थोड़े से इश्यूज हैं लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं, कोई डिसीजन कोई चॉइस हो सकता है आपको लेनी है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट चल सकती है, पैसा आ सकता है लेकिन साथ ही साथ जाता हुआ दिख रहा है, रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एग्जॉशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी चीज़ के ऊपर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, और हो सकता है इस वीक आपको ऐसा लगे भाई अब थक गए और मेहनत नहीं कर सकते हैं और एफर्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं एक बहुत ही टायर्ड वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपकी। और सरफेस लेवल पे हो सकता है आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाएं जहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, भाई इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, और मेहनत करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट कर चुके हैं, तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे अगेन पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ लिब्रास को कोई डिसीजन लेना है, सॉरी स्कॉर्पियोज को कुछ डिसीजन लेना है और कोई डायरेक्शन चूज़ करनी है और नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बहुत ही थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं उस लाइफ के एरिया से रिलेटेड। और आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कोई एक टफ साइकिल जो अभी तक चल रहा था वो इस वीक एंड हो सकता है, और वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। ज़्यादा मुझे आपकी ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में एक बहुत ही टायरिंग एनर्जीज हैं। पर्सनल लाइफ में कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे कह रहा है कि आप एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन चूज़ करनी है, तो कहीं इस वीक हो सकता है जो भी एक डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे थे किसी भी लाइफ के एरिया से, वो ख़त्म होंगी और एक नया साइकिल, एक नई बिगनिंग होगी। तो ये वीक इन ऑल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मुझे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई ब्लू।